नमस्कार, जय हिंद। जीएस फोरम विद बीके मिश्रा डॉट कॉम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य जागरूकता के अंतर्गत हम लोग सामान्य भूगोल और सामान्य भूगोल में हम लोग पठार की बात करेंगे। आप जानते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान, ये तीनों ही चीज़ें पृथ्वी पर स्थित एक अलग अलग उच्चावच होते हैं, जिनको ऊँचाई और उनके विस्तार के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें से अगर हम लोग संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उसमें से कुल मुख्य रूप से तीन हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं पर्वत, दूसरे को हम लोग कहते हैं पठार या प्लेट्यू, और तीसरे को हम लोग कहते हैं मैदान और अन्य स्थलाकृतियाँ। मैदान और अन्य स्थलाकृतियाँ अगर हम लोग देखें तो किस तरह से इनका परसेंटेज डिवीज़न होता है, इसकी हम लोगों को बात करनी है। तो पर्वतों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संपूर्ण पृथ्वी पर करीब 26% है। पठारों की अगर बात करें तो करीब 33% है, और इसके अलावा 41% पर मैदान और अन्य स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इसका मतलब हो गया कि संपूर्ण पृथ्वी पर 26% पर्वत, 33% भाग पर पठार और अन्य में अन्य और मैदानों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीब 41% पर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोगों को देखना है कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है और मैदान क्या होता है। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखें कि पर्वत और पठार किसको कहा जाता है। तो पर्वत और पठार सामान्य रूप में ये दोनों के दोनों एक ऊंचे उठे भाग होते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे होते हैं, अक्सर आप अगर विंध्याचल जाते हैं तो आपको रास्ते में देखने को मिलता है कि एक बड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, लेकिन आपके लिए डिसाइड करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसको हम पर्वत कहें या हम पठार कहें। तो पर्वत और पठार का अगर हम लोग परिभाषा देखें तो पर्वत और पठारों की एक जो सामान्य परिभाषा है कि वो मैदानों से ऊंचे होते हैं। अब सवाल होता है कि पर्वत मैदान से कितने ऊंचे होते हैं। तो पर्वत सामान्य रूप में मैदानों से करीब 1000 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल आइडिया है वो दिया जाता है कि 1000 मीटर ऊंचे होने चाहिए। ऐसी स्थलाकृतियों को हम लोग पर्वत कहेंगे, लेकिन एक कंडीशन और लगाई गई कि उसका जो शीर्ष भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, वो कैसा होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए। तो इसके संदर्भ में हम लोग क्या लिखेंगे पर्वतों में कि इसका जो शीर्ष होगा वो कैसा होगा, नुकीला होना चाहिए। अब पठारों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर पठारों के संदर्भ में वही शीर्ष भाग जो है वो कैसा होगा, सपाट होगा, तब उसे हम कहते हैं कि ये पठार है। पठार और पर्वत में मुख्य रूप से जो डिफरेंस है वो उसके शीर्ष का है। अगर शीर्ष नुकीला है तो उसको हम पर्वत कहेंगे, और शीर्ष अगर सपाट है तो उसी को हम लोग पठार कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको देखना है कि पर्वत और पठार अगर हम लोग इसको फिगर के रूप में देखें तो किस तरह से आपको दिखते होंगे। तो फिगर के रूप में अगर देखें तो अगर इस तरह से कोई स्थलाकृति है तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, ये पर्वत है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पर्वत है, क्योंकि इसका शीर्ष जो है वो कैसा है, नुकीला है, इसलिए हम इसको पर्वत कहेंगे। किसी भी पर्वत का ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको हम लोग ढाल या स्लोप कहते हैं, और इसके अलावा जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग पीक कहते हैं या इसी को चोटी कहा जाता है। जो यहाँ वाला क्षेत्र होता है इसको हम लोग पर्वतों का घाटी कहते हैं या इसी को हम लोग वैली कहते हैं। इसके अलावा
अगर हम लोग पर्वतों से इसको अलग देखें पठारों को, तो पठार में कुछ इस तरह की स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका जो है वो सपाट है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो पर्वत और पठार में मुख्य रूप से उसके शीर्ष को लेकर के डिफरेंस होता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में आपको किसी पर्वत या पठार की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा आपसे, कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा पठार कहाँ पर है, यही आपको रटना है, तैयार करना है, इसको आपको समझना भी है। तो इसमें आप एक लिस्ट देख रहे हैं, हमने इसमें सभी पठारों का नाम लिखा हुआ है। इसमें अब आपको देखना है कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। जैसे पामीर या तिब्बत का पठार कहाँ पर है, तो तिब्बत में है। अगर आप इसको और देखें तो तिब्बत में, या ऑप्शन में अगर आपको चीन भी दिया रहे तो आप चीन को भी लगा सकते हैं, चूंकि तिब्बत अब चीन के स्वायत्त क्षेत्र में आता है। इसके बाद तकला माकन का पठार, ये कहाँ पर है, चीन में ही है। तकला माकन का पठार कहाँ पर लगाएंगे, तो चीन में लगाएंगे। इसके बाद अहगर का पठार कहाँ पर है, अल्जीरिया और लीबिया, ये दोनों अफ्रीका की कंट्रीज हैं। अल्जीरिया और लीबिया, इन दोनों में संयुक्त रूप से दोनों देशों में अहगर के पठार का विस्तार है। चूंकि पर्वत होगा या पठार होगा या मैदान होगा, वो किसी देश की सीमाओं के परे नहीं होता है, देश की सीमाओं के पार भी उसका विस्तार होता है। तो इस तरह से अहगर का पठार कहाँ पर है, अल्जीरिया और लीबिया में। इसके बाद लारेंसिया का पठार है, लारेंसिया का पठार कहाँ पर बताएंगे, कनाडा में। इसके बाद किम्बरले है, तो किम्बरले का पठार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। एशिया माइनर कहाँ पर है, तुर्की में। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है, तो ये भारत में है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर बताएंगे, तो भारत में है। और भारत में भी अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो इसको बताएंगे आप छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत का मतलब है कि विंध्याचल पर्वत के नीचे के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीप का मतलब अगर आपको समझना है, तो ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसके बाद है तासिली पठार, ये अल्जीरिया में है। कोलंबिया का पठार अमेरिका में है। अंटार्कटिका पठार अंटार्कटिका में है। लोयस का पठार कहाँ पर है, चीन में है। ओजार्क का पठार कहाँ पर है, अमेरिका में। लोयस का पठार अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार का है, तो आप बताएंगे वायु से निर्मित, यानी कि हवाओं के जरिए जब धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर इन सब का जमाव एक जगह पर हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं लोयस का पठार या वायु से निर्मित पठार। ओजार्क का पठार कहाँ पर है, अमेरिका में। ओजार का पठार कहाँ, अमेरिका। अनातोलिया का पठार कहाँ, तुर्की। मध्य साइबेरिया पठार कहाँ पर, रशिया। मंगोलिया का पठार कहाँ पर, अब देखिए मंगोलिया का पठार भी पूछ रहा है, तो मंगोलिया देश में भी है, बगल में उसके चीन है, तो मंगोलिया और चीन दोनों जगहों पर। कोलोराडो पठार कहाँ पर है, अमेरिका में है। बोलीविया का पठार कहाँ पर है, बोलीविया में है। अब इसको जब आप याद करने लगेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पठार हैं जिनके नाम में ही उनकी लोकेशन छुपी हुई रहेगी। जैसे बोलीविया का पठार है कहाँ पर, बोलीविया का पठार कहाँ पर है, बोलीविया में। मंगोलिया का पठार कहाँ पर है, मंगोलिया और चीन में। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गुयाना का पठार, तो गुयाना कहाँ पर है, गुयाना का पठार गुयाना में, वेनेजुएला में, सुरीनाम में। शान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार में। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। अबिसिनिया का पठार कहाँ पर है, इथियोपिया में। इसके बाद पिडमांड का पठार कहाँ पर है, अमेरिका में। ब्राज़ील का पठार, अब देखिए नाम के आधार पर ही है, तो ब्राज़ील का पठार कहाँ पर है, ब्राज़ील में। पोटवार का पठार कहाँ पर है, पाकिस्तान में। सोटा का पठार कहाँ पर है, स्पेन, इसी को हम लोग कहते हैं आइबेरियाई प्रायद्वीप। इसके बाद कोरात का पठार कहाँ है, थाईलैंड में। चियापास पठार कहाँ पर है, दक्षिणी मैक्सिको, मतलब मैक्सिको के दक्षिणी क्षेत्रों में।
इसके बाद लीबिया पठार कहाँ पर है, लीबिया और मिस्र में मेघालय का पठार कहाँ पर है, तो मेघालय का पठार है भारत में। इस तरह से इतने सारे पठारों की एक आपको लिस्ट तैयार करनी है, कॉपी में आप इसको नोट भी कर लीजिए, पीडीएफ नोट्स में आपको मिल भी जाएगा, लेकिन जितनी बार आप इसको लिख करके तैयार करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगले वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक को देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।